धन्यवाद करें उस परमेश्वर को, क्योंकि हम जानते हैं वो ही है जिसने हमें बचाया, जिसने हमें छुड़ाया। आज हम अपने पिता को हे पिता कहकर पुकारे और इस सॉन्ग को गाएं, गीत को गाएं, क्योंकि हम जानते हैं वो वफादार है। हर परिस्थितियां बदल सकती हैं, हालात बदल सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन एक बड़ा परमेश्वर है जो कभी ना बदलता है, जो कहता है मैं तुम्हारे साथ था, ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। आइए हम इस सॉन्ग को, इस गीत को गाएं, क्योंकि हम जानते हैं वो वफादार है। दुनिया बदलती है लेकिन वो कभी ना बदलता है। बद आंखों से भी हम उस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो वफादार है। तो आइए हम अपने हाथों को उठाएं और इस गीत को गाएं, वफादार। क्या कोई है?
विश्वास योग्य परमेश्वर है।
Thank you.
जपदा रवा
सुमेरा है
Oh,
आशीष दे, मेरे वो जगह उसका नाम बरसे, हम पर सदा उसके नजर मेरी ओर है, और सुना Yeah.
परमेश्वर के आशीष आपके भक्तों उनको तक है। वो हमारा ढाल है, वही चट्टान है, वही हमारा इनाम और ईमान है। आइए अपने और अपने प्राणा के लिए परमेश्वर के उन आशीष को कन्फेस करें। हम तुझे धन्यवाद दे पाते प्रभु, हम क्या दे सकते हैं, केवल केवल तुझे
छोड़ने जा रहे हैं, जो आशीषों को हमारे जीवन में देने जा रहे हैं, उन सारी बातों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कोटि कोटि हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर हमारे परमेश्वर को देते हुए इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हर एक जन कहे आमेन। आइए हम एक और ताल का बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। हम सब मिलकर पढ़ेंगे, बोलिए। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है और समझ की प्राप्ति चांदी से अति योग्य है। एक साथ पढ़ेंगे। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है और समझ की प्राप्ति चांदी से अति योग्य है। हालेलुया। क्या बोल रहे नीति वचन? एक सोना और चांदी से भी ज्यादा कीमती बुद्धि है। बुद्धि है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ को मानते हैं, परमेश्वर के अभिषेक को मानते हैं, पर हम लोग बुद्धि के लिए प्रार्थना नहीं करते। बाइबल कहता है परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा भी है, परमेश्वर का आत्मा प्रकाश का आत्मा भी है। परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो आप और मुझे परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान भी देता है। क्योंकि होशे के पुस्तक में अगर आप देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर क्या बोलता है, मेरे लोग उपवास की कमी की वजह से नहीं मर रहे, मेरे लोग प्रार्थना की कमी की वजह से नहीं मर रहे, संगति की कमी की वजह से नहीं मर रहे, चर्च जाने की कमी की वजह से नहीं मर रहे। एक चीज की वजह से मेरी प्रजा मर रहा है, एक चीज की वजह से, एक चीज की घटी की वजह से मेरा प्रजा नाश हो रहा है, वो है बुद्धि ज्ञान की कमी। हम सबको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, अपना सामर्थ्य दिया है। कई बार हम प्रार्थना करते प्रभु तू हमें अभिषेक दे, अभिषेक दे, अभिषेक दे, तेरे सामर्थ्य दे, परमेश्वर कहता है परंतु बुद्धि नहीं होगा तो परमेश्वर के अभिषेक को और परमेश्वर के सामर्थ्य को इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाए। बुद्धि है जो उस अभिषेक को और परमेश्वर ने दिया हुआ सामर्थ्य को इस्तेमाल करने को भी सिखाना है। हम बहुत बार मानते हैं प्रभु बोलेगा गए हुए हफ्ते में आप सब शब्द नहीं आते थे, इतना सामर्थ्य परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में था। आप हर दिन घर में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देते हैं, प्रभु बोले कभी नहीं देखना जो अभिषेक किया था उसका क्या किया, जो मैंने तुझे सामर्थ्य दिया उसका क्या किया। ये ऐसा है मानो हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास पेट्रोल है, परंतु हम अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, अपने टैलेंट को ना बढ़ाते हुए उसको चलाना नहीं चाहते, जस्ट सामने रखते, घड़ी सब है लेकिन चलाना नहीं। परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ है, परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ है, परंतु जब आप बुद्धि की मांग करते हैं उस बुद्धि के द्वारा आप सही जगह पर परमेश्वर के सामर्थ इस्तेमाल कर सकते हैं, सही जगह पर परमेश्वर के अभिषेक इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हम अभिषेक को बहुत अभिषेक किया बहुत छोटा समझते हैं, अभिषेक इतना बड़ा चीज है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है आपके आजू बाजू के लोग बदलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर है। आपकी बोली से, आपके रहन सहन से, आपके उठना बैठना से, आपके जीवन परमेश्वर को दर्शाता है, क्योंकि उसका अभिषेक। आप अभिषेक को कैरी करके चलते हैं, आप आत्मा को उठा के चलते हैं, आत्मा में चलते हैं, आजू बाजू के लोग परमेश्वर बदलना शुरू करते हैं, क्योंकि आपके अंदर अपना सामर्थ नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है। अभिषेक बंधनों को तोड़ता है, बाइबल बोलता है ना सिर्फ आप और मेरे उनके बंधनों में अभिषेक तोड़ता है। जब चेले लोग जाते थे कई बार उनके परछाइयों से भी रोगियों ने चंगाई हो गया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का हुजूरी, परमेश्वर का सच्चाई, परमेश्वर का सामर्थ्य हो भरे हुए थे, भरे हुए थे। और बुद्धि हमें उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करना लगता है, बुद्धि हमें वो अभिषेक को इस्तेमाल करना लगता है। जिस दिन हमने यीशु मसीह को विश्वास किया,
जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर करके स्वीकार किया उसी दिन बाइबल कहता है पवित्र आत्मा आगरोज दिया गया, अर्थात परमेश्वर ने सामर्थ का आत्मा हम पर दिया हुआ, अभिषेक हमें किया हुआ है। परंतु अगर बुद्धि की अगर कमी है तो बाइबल बोलता है मेरे संतान मेरी प्रजा आज भी नाश होता है। तो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर की ओर से बुद्धि, कई बार क्या होता है इस संसार में हम चालाकी को भी बुद्धि बोलते हैं, किसी को अगर मुझे पसंद आ रहा मेरे को बुद्धि है वो बुद्धि नहीं है वो संसार की बुद्धि है, पर बाइबल क्या बोलता है परमेश्वर की बुद्धि के बारे में बात करता है। इससे लास्ट से लास्ट बात जब परमेश्वर ने मुझे मौका दिया था यहाँ पर संदेश बांटने का, तो ये था कि अपने पूरे मन से अपनी समझ का सहारा न लेना परंतु अपने मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज परमेश्वर क्या बोल रहा है अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि से। क्या परमेश्वर ने जब दो बड़े आज्ञा दिए उसमें से एक आज्ञा में ये नहीं बोला अपने सारे प्राण बुद्धि से मुझसे प्रेम करना, श्री महात्मा से बोला है नहीं बुद्धि से बोला है। और आज इस संसार में रहते हुए भी बुद्धि चाहिए, हमारे घर को चलाने के लिए भी बुद्धि चाहिए, परमेश्वर के कार्य करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। हर जगह पर आज हमें बुद्धि की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। हमें वो कहां से मिलेगा बाइबल बोलता है परमेश्वर से मिलेगा, परमेश्वर से मिलेगा। नीति वचन एक जगह पे बोला है कि बुद्धि जो है आधे रास्ते में चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है, बाइबल बोलता है कि मुझे दे दो मुझे धारण करो, पर बुद्धि परमेश्वर कहता है। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है आप नहीं भी निकालेंगे चलेगा इफिसियों का 1:17 में, सॉरी याकूब के 1:5 में, कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उधारना दिए सबको उधार से देता है और उसको दी जाएगी। क्या लिखा है जिसके पास बुद्धि की कमी है, अगर मैं बुद्धि की बात करूं तो हमें ये नहीं सोचना है कि हाँ ब्रदर अपने आपको बहुत बुद्धिमान मान रहे क्या बुद्धि की जरूरत आपको भी है बुद्धि की जरूरत मुझे भी है, किसकी बुद्धि परमेश्वर की। और बाइबल बोलता है मैं एक चीज समझता हूँ, जब मैं अध्याय पढ़ रहा था तैयारी कर रहा था और भी परमेश्वर ने मुझे बात किया जो नम्र है वही बुद्धि की इच्छा रखते हैं, क्योंकि मूर्ख क्या सोचता है तो बहुत बुद्धिमान कोई समझाएगा तो उसको समझ नहीं जाता है मुझे आता है मुझे क्या समझा। नम्र इंसान बुद्धि की बातें को लेना चाहता कोई समझाएगा ना उसको लेना चाहेगा, सहमति के साथ चलेगा, कोई ऐसा नहीं बोलेगा नहीं मैं अकेला राइट हूं ठीक हूं मेरा बुद्धि काफी है मैं समझदार मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन नम्र इंसान सहमति के साथ चलता है, नम्र इंसान बुद्धि की बातों को लेता है। बाइबल यही बोल रहा है अगर आप समझते हो कि मैं बुद्धि में कमी हूं परमेश्वर मुझे बुद्धि दे सकता है। बाइबल यहां पर हमने क्या पढ़ा याकूब में कि जिसको बुद्धि की घटी है अगर वो परमेश्वर से मांगेगा वो परमेश्वर से बुद्धि देगा। और इफिसियों के 1:17 में पौलुस क्या प्रार्थना करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान अर्थात बुद्धि और प्रकाश की आत्मा दे। पौलुस आप मेरे लिए क्या दुआ कर रहा था, परमेश्वर के लोगों के लिए क्या दुआ कर रहा था कि जो महिमा का पिता है यीशु के नाम से क्या प्रार्थना करता है कि आप हम सब पर परमेश्वर के लोगों पर क्या हो ज्ञान अर्थात बुद्धि और प्रकाश की आत्मा परमेश्वर में दे। और जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो हमें एक जन याद आता है, कौन है सुलेमान दादा बाइबल में सुलेमान के बारे में आप सब जानते हैं इतना बुद्धिमान राजा था लेकिन क्यों था कोई बता सकता है, क्योंकि उसने बुद्धि की मांग की, उसने मांगा यहोवा से परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। अगर हम पहला राजा 3 अध्याय को देखते हैं आप घर में जाके पढ़िए वहां पर हम क्या पढ़ सकते हैं जब दाऊद का अंतिम समय था गुजरने वाला था मर जाता है समझो उसके बाद वो राजा किसको था सुलेमान उसका बेटा। तो सुलेमान के पास यहोवा परमेश्वर आते हैं और उसे बोलते हैं आज तो जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा, शायद हो सकता है आप तो मेरे रहे मैं मेरी बात कर रहा हूं शायद मैं रहूं तो बोल सकता था प्रभु ये राज्य को संभालना है तो मेरे दुश्मन को खत्म कर, हो सकता है बोलता था धन दे दौलत दे मुझे ऐसा महान कर सब मेरे नीचे रहे, एक राजा यही सोचता होगा यही सोचता है। लेकिन सुलेमान ने परमेश्वर के द्वारा बोला इस प्रजा इतनी ज्यादा प्रजा है इतना बड़ा राज्य है मैं छोटा हूं
मैं चल भी नहीं पाता हूँ। हे यहोवा परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ की आत्मा दे, मुझे ज्ञान की आत्मा दे। और यहोवा इतना प्रसन्न हुआ मेरे पढ़ते समय परमेश्वर मुझे सिखा रहा था, वो बुद्धि की मांग करते परमेश्वर खुश होता है, खुश होता है, क्योंकि मूर्ख लोग को परमेश्वर पसंद नहीं करता। क्योंकि भाई ये भी बोलता है, मूर्ख बोलता है कि परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर है नहीं। तो सुलेमान जब मांगता है परमेश्वर ये बात खुश होता है और क्या बोलता है, मैं तुझे बुद्धि में पढ़ाऊंगा, मैं तुझे समझ में पढ़ाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ना तो आज तक कोई इतना बुद्धिमान था, ना कोई आने वाले दिनों में रहेगा। और जो तुझे नहीं मांगा नाम प्रतिष्ठा धन, वो भी मैं तेरे जीवन में दूंगा। हालेलुया। जब आप अपने परमेश्वर की बुद्धि को मांगते हैं, परमेश्वर की समझ को मांगते हैं, परमेश्वर ऑटोमेटिकली हमारे जीवन के बाकी एरिया को भी आशीष दर्शन करता है। क्योंकि बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान का परमेश्वर है। बुद्धि और ज्ञान के द्वारा उसने सब सृष्टि की, वही बुद्धि है, वही ज्ञान है, वही समझ है। इतना बड़ा संसार को कौन बना सकता, कोई बना सकता? समुद्र को समुद्र की जगह पे रखा है, धरती को धरती की जगह पे रखा है, तारा को बनाया है, बोलने से जानवरों को बनाया, हाथों से इंसान को बनाया, इतना सुंदर सृष्टि बनाया, कौन बना सकता है? जिसके पास बुद्धि है, परमेश्वर स्वयं बुद्धि और स्वयं ज्ञान है। और वो कहता है मुझसे अगर बुद्धि को मांगोगे, मुझसे अगर ज्ञान को मांगोगे, तो बड़ी उदारता से तुम्हें दूंगा और तुम नाश नहीं होंगे, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही मेरे संतान बने रहेंगे, बने रहेंगे। तो सुलेमान राजा के बारे में जब हम देखते हैं, उसके ऊपर ऐसा बुद्धि आ गया, ऐसा ज्ञान आ गया, ऐसा समझ आ गया कि एक राजा 4:19 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी शपथ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र के तट की बालू के गिनती के तुल्य अनगिनत गुण दिए। कितना बुद्धि था उसके जीवन में, कितना समझ था उसके मन में, जो समुद्र के किनारे में रेत रहता है वो रेत को भी गिन सकता है? नहीं गिन सकता। इतना ज्यादा बुद्धिमान परमेश्वर ने सुलेमान को बनाया। और एक दिन क्या हुआ, उसके राज्य में 2 औरत आए, क्योंकि उसको न्याय करना था, परंतु परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया था। और 2 औरत वेश्या थे, एक ही घर में रहते थे, दोनों का संतान होता है और कुछ समय का ही फर्क रहता है, उसमें से एक बच्चा मर जाता है रात को। जिसका बच्चा मर गया वो क्या चाला की चलती है, वो संसार कर देती है। अपना बच्चा लाके दूसरे को दे देती है और दूसरे का बच्चा मत रख लेती है, ये संसार का चाला है। फिर सुबह उठती है तो जिसका बच्चा जिंदा था वो जान जाती है, बच्चा ये मेरा बच्चा नहीं है। तो ये सुलेमान राजा के पास ये चीज लेकर आते हैं और सारा चीज सुलेमान के सामने रखते हैं, सब चीज सुलेमान सुनता है। वो बोलती है ये बच्चा मरा हुआ बच्चा मेरा नहीं है, वो बोलती है मरा हुआ बच्चा मेरा नहीं है, दूसरे बोलती ये जिंदा बच्चा मेरा है, वो भी बोलती जिंदा बच्चा मेरा है। तो सुलेमान क्या करता है, तलवार लेके आओ, ये जो जीवित बच्चे है इसको पीछों बीच काटा है और आधा इसको आधा इसको दिया जाए। तो जो उसकी असली मां थी वो क्या बोलती है, नहीं नहीं मेरा है, इसको ये बच्चे को इसी को दे दो, लेकिन परंतु इसको सुलेमान समझ जाता है कि इसकी असली मां कौन है। और सुलेमान राजा क्या करता है, इस जो वेश्या औरत थी उसको जीवित बच्चा देता है। तो ये जो वहां पर घटना हुआ, इसकी वजह से सारे लोग बोलते उस जगह में फैल गया ये बात और सब लोग उसके आदर करने लगे, भय मानने लगे। आप सब बुद्धि में चलते हैं, लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप परमेश्वर की बुद्धि में चलते हैं, परमेश्वर आपके परमेश्वर के लोगों का इस संसार रिस्पेक्ट करेगा। जिस जगह पर आप हैं लोग आपके मजाक देख रहे हैं, बुद्धिमान इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, समझ के साथ काम करता है। और बाइबल यही चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है कि आप और मैं बुद्धिमान बने, समझदार बने, मूर्ख नहीं। और ये समझदारी सुलेमान के पास यहोवा परमेश्वर के द्वारा मिला। और आज भी अगर हम वो बाइबल को जब हम बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं तो आज भी हम सुलेमान की बुद्धि के बारे में स्मरण करते हैं। और दूसरा चीज, जब राज्य दिया गया सुलेमान को तो
और एक और चीज के लिए पर क्या थे? वो क्या है? परमेश्वर का मंदिर उसने बनाया, और साथों साथ राजमहल को भी। परमेश्वर के मंदिर पहले बनाया, फिर उसने राजमहल। जब परमेश्वर के मंदिर को बनाया तो आप पढ़ सकते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए सुलेमान को 7 वर्ष लगे, और उस मंदिर को बनाने के लिए 70,000 लोग सिर्फ बोझ उठाने वाला, यानी कि ईंटें गारे जो भी चीज लगता था वो उठाने वाले थे, 80,000 पहाड़ पर पत्थर काटने वाले लोग थे, वृक्ष काटने वाले लोग भी थे, 3,600 उन लोगों से काम करवाने वाले मुखिया नियुक्त किया गया था, लाखों में लोग उसने लगाकर परमेश्वर के मंदिर को बना रहा था। आज इतने छोटे प्लस चलाने के लिए भी हमारे पसंद छूट जाते हैं। अरे ये कौन करेगा, अरे वो कौन करेगा, अरे ये किस कौन सिखाएगा, अरे वो कौन सिखाएगा, अरे इन पर कैसे हैंडल करना है, अरे ये कैसे करना है, अरे ये महीने में इतने बच्चे कम हो गए, क्यों हो गए, इतने सारे मैनेजमेंट छोटी सी चीजों के लिए भी। सिस्टर ज्योति स्कूल में पढ़ा, वहां पे मेन ऑफिस में काम है, हाँ, आप कितने सारे चीजें के लिए कभी कभी बोलते आज बहुत ज्यादा थक गए होंगे। हम लोग हमारे काम की मैनेजमेंट करने के लिए भी थक जाते हैं। सुलेमान लाखों के लोगों को लेकर परमेश्वर के मंदिर बना रहा था, और ये मंदिर लाखों लोग लगा के बनाने में धन भी उतने लगा होगा, पैसा भी उतने लगा होगा, मेहनत भी उतने लगा होगा। स्वयं उसने मेहनत किया, इतना बुद्धि लगाया, ज्ञान लगाया, समझ लगाया परमेश्वर के द्वारा, और परमेश्वर के मंदिर उसने तैयार किया। और दूसरा चीज, राजभवन को भी उसने बनाया। और अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं 9 अध्याय में, तो यहोवा परमेश्वर ने उस मंदिर को क्या कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की सुलेमान, उसको मैंने सुना है, ये जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। परमेश्वर ने उसके बनाए हुए मंदिर को अंगीकार किया, स्वीकार किया, और बोला कि मेरा नजर सदा नित्य इस मंदिर पर लगा रहेगा। और जब उसने मंदिर बनाया, उसके बाद उसका राजभवन भी उसने बनाया। जब आप परमेश्वर के घर को बनाते हैं, आज के दिन में परमेश्वर का घर बनाना मतलब महल मंदिर बनाना नहीं है, आज के दिन में परमेश्वर का घर बनाना मतलब आपके हृदय को बनाना है, हमारे मन को बनाना है। यीशु मसीह ने क्या कहा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा के क्या तुम मंदिर नहीं हो? ये हृदय है, आज के दिन में हम कितने अच्छे तरीके से बना रहे हैं, क्या आज भी हमारे हृदय में इस मंदिर में किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति अशला है, किसी के प्रति बैकबाइटिंग है, किसी के प्रति किसी को नीचे गिराते हैं, किसी के पाप को टोकते हैं, आज भी इस दिन में किसी के बारे में नफरत है, जलन है, कड़वाहट है? परमेश्वर कहता है आज तुम अपने मंदिर को किस तरह से बनाए, किस तरीके से सजाए, क्या आपने संपूर्ण बल से, सामर्थ्य से, शक्ति से, धन से सब कुछ लगाकर क्या इस मंदिर का रख रखाव कर रहे हो, क्या इस मंदिर को बना रहे हो? हम सोचते हैं जब जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे हृदय को देखो, तुम्हारे मन को देखो। तो बाइबल बोलता है मनुष्य चेहरा को देखता है, परमेश्वर हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। और अगर हम इस मंदिर को, इस मन को शुद्ध रखते हैं, परमेश्वर के मंदिर बनाते हैं, सदा इसके बारे में सोचते हैं, परमेश्वर आपके घर को बनाएगा। दूसरा मीनिंग, अगर आप कलीसिया को बनाते हैं, अगर आप कलीसिया का रिस्पेक्ट करते हो, अगर आप परमेश्वर की हुजूरी का रिस्पेक्ट करते हो, अगर आप परमेश्वर के भवन को बनाते हो, परमेश्वर आपके भवन को तैयार करेगा। कभी यह सोचना कि मैंने तो चर्च के लिए इतना किया, कभी ना सोचना मैंने तो परमेश्वर के दास के लिए इतना किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, परमेश्वर लौटा कर देगा कभी, क्योंकि बाइबल बोलता है परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से अगर एक गिलास पानी भी देते हो उसमें भी बोलता है ब्लेसिंग से, परमेश्वर कभी गुलाम नहीं रहता है। जो जो चीजें हम परमेश्वर के दास
ये नहीं बोल रहा कि कल से हमारे लिए दीपक ब्रदर के लिए सिस्टर के लिए बहुत कुछ लेकर आइए, मैं यही बोल रहा हूँ परमेश्वर का भवन का रिस्पेक्ट, परमेश्वर के भवन के लिए कार्य करना, परमेश्वर के लिए दौड़ना, परमेश्वर के लिए सोचना, परमेश्वर के राज्य के प्रगति के लिए सोचना, एक दूसरे की उन्नति के लिए सोचना, ये कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। परमेश्वर आपका घर बनाएगा, आप परमेश्वर के घर बनाइए, परमेश्वर आपका घर बनाएगा। सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बनाया, परमेश्वर ने उसके जीवन में राज देने को भी ध्यान किया। तो बाइबल बोलता है उस राज्य में किसी भी प्रजा को किसी भी चीज की कमी और घटी नहीं था, इतने फलवंत जमीन था, इतने आशीषित लोग थे, सारा संपूर्ण रीति से उस राज्य में बाइबल बोलता है किसी चीज की कमी और घटी नहीं होगा। क्यों? सुलेमान ने बुद्धि को मारा और बुद्धि के द्वारा बुद्धि के द्वारा वो चला। आज हम बुद्धि की बातें देखो चीज से सीखने वाले हैं। मैं चाहता हूं हर एक जल्दी करें मंदिर से सुसमाचार उसका 25 अध्याय, मंदिर से सुसमाचार उसका 25 अध्याय को निकालेंगे और 14 वचन से 14 वचन से लेकर 30 वचन तक आज हम इस बात को देखने वाले हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, कोणों का दृष्टांत जो सभी को आप सभी को पता है। तो यहां पर हिंदी में क्या लिखा है 14 वचन, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है, परंतु इंग्लिश में शुरुआत क्या करता है, फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अ मैन ट्रैवलिंग टू अ फार कंट्री। अर्थात परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, जिस तरीके से इंग्लिश बाइबल शुरुआत करता है। और क्या बोलता है पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे, जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। बोलिए हर एक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अर्थात योग्यता के अनुसार, हर एक को क्या किया अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उस धनवान इंसान ने क्या किया तोड़ी दिया। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने संपत्ति के कुछ हिस्से दिए, एक को 5 तोड़े दिया, एक को 2 तोड़े दिया और एक को 1 तोड़े दिया, हर एक की अपने अपने योग्यता के मुताबिक, क्योंकि उस मालिक को पता था कि कौन कितना कर सकता है। परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग का राज्य का कार्य आज परमेश्वर ने केवल इस पुलपिट में चढ़ने वाले लोगों को नहीं दिया है, आप और मुझसे हर में से हर एक को परमेश्वर ने थोड़ा दिया हुआ है, थोड़ा दिया हुआ है। थोड़ा का अर्थ ये भी है हमारे जीवन में टैलेंट जो परमेश्वर ने खूबी दिया है, जो सुलेमान को भी दिया था। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि मुझे मेरे अंदर एक टैलेंट नहीं, परमेश्वर ने जरूर कम से कम एक टैलेंट, एक खूबी, एक गुण तोड़े जरूर दिया हुआ है। और यहां पर बाइबल क्या बोलता है, जिसको आगे हम लोग पढ़ते हैं, तब जिसको 5 घोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 घोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रूप में छिपा दी। 5 वाले ने कितना किया, 10 किया, 5 और करके 10 दिए। जिसको 5 दिया तो उसने 10 बनाया, जिसको 2 दिया तो उसने कितना बनाया, 4 बनाया, परंतु जिसको 1 दिया था, सबसे कम दिया था, तब कम जिम्मेवारी दिया था, उसको भी उसने क्या कर दिया, मिट्टी में जाकर दबा दिया, छुपा दिया। ओ गीत गाने वाले ब्रदर्सों के तो वही कहेंगे मैं क्यों कहूं, वचन तो मेरा ब्रदर है, सिस्टर है, जन ब्रदर है, हम लोग क्यों वचन पढ़े, उनको बांटने का इंटरेस्ट नहीं पड़े, प्रार्थना हमें क्यों करते हैं, मध्यस्थ हम क्यों बन रहे हैं। आप बुरा मत मानिएगा, लास्ट वेनसडे को हमारा पहला मीटिंग था, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, परंतु मैं बोलना नहीं चाहता था, परंतु परमेश्वर मुझे बुला रहा है। हमने ऑनलाइन
प्रार्थना का सवाल था, उससे दो फिर एक सवाल हो चुका। क्या आप हमें प्रार्थना जरूरत नहीं है? क्या परमेश्वर की उपस्थिति हमें जरूरत नहीं है? के प्रार्थना सभा क्या आप और मेरे लिए नहीं रखा हुआ है? क्या ये हमें ब्लेसिंग नहीं देने वाला है? भाई राजेश का परिवार और सिस्टर पूजा जो पुणे में है, वो दो फैमिली से वो दो फैमिली मैं कहता हूं इतना उपस्थिति था परमेश्वर का, इतना उपस्थिति था प्रार्थना में, हमने उस दिन सामर्थ्य पाया। मैं आपको दोष नहीं लगा, मैं दोष नहीं लगा, परंतु जो थोड़े आपको दिया हुआ है, जो अभिषेक आपको दिया हुआ है, जो सामर्थ्य आपको दिया हुआ है, जो मध्यस्थी बनकर आप भाइयों के जीवन को छुड़ा सकते हैं, आप उस अभिषेक का क्या कर रहे हैं? उस सामर्थ्य का क्या कर रहे हैं? उस परमेश्वर ने दिया हुआ टाइम का क्या कर रहे हैं? उसको क्या हम दबा कर रहे हैं? क्या दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स नहीं है? आज हर एक इंसान को आज के समय में प्रार्थना की जरूरत है। हमारा कलीसिया का पहला प्रार्थना सभा था ऑनलाइन, परंतु कई सारे जन ने उस चीज को, हाँ हो सकता है किसी के लिए वो टफ सिचुएशन था, ज्वाइन नहीं कर पाए, जिन्हें रीजन हो सकता है, लेकिन मैं ये बातें आप और परमेश्वर जानता है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं आप और मैं परमेश्वर के ना सिर्फ सामर्थ्य, ना सिर्फ अभिषेक को मांगे, परंतु हम बुद्धि मांगे, ताकि कहां किस प्रकार हम उसका इस्तेमाल कर सके, किस प्रकार हम परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष दे सके। आपका प्रार्थना आप जानते नहीं है भाइयों के लिए छुटकारा का आशीष का प्रार्थना हो सकता है। आपका धुआं भाइयों के घरों को बना सकता है। आपका धुआं भाइयों में जिंदगी बर्बाद होने वाला था, शैतानों को जीतने वाला था, आपका एक धुआं मध्यस्थी का प्रार्थना उनके जीवन में आसान कर सकता है। यह आपका थोड़ा है, यह आपका थोड़ा है। कभी ना बोले कि मेरा कुछ सेवा का कुछ नहीं, मैं चर्च जाते हूँ, आता हूँ, बाइबल सुनता हूँ, प्रार्थना सुन पर बैठता हूँ, आता हूँ, मराठी में नहीं बोल सकता, मराठी आप लोग बोल सकते, ये परमेश्वर ने दिया हुआ थोड़ा है। इस लोकल जगह पे क्या आप जाके, ऐसे भी नासिक में लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आता, जिनको इंग्लिश नहीं आता, सिर्फ मराठी आता है, क्या आपने उन सिमेकी को, उन पड़ोसी को कभी आपने यीशु के बारे में बोला? कभी आपने बताया? कभी उन तोड़ों का आपने इस्तेमाल किया? आज से 9 साल पहले हमारा क्लास सांची उन्नत शोरूम के सामने था, महात्मा नगर में बेसमेंट। एक लड़का आता था किरण बोल के, भाई बहन भी जानते हैं, कोई और भी जानते हैं। 12:30 बजे हमारा क्लास सुबह का बंद हुआ, तो हम ऐसा दुखी रहे, बजाते सब कुछ ध्यान नहीं, कुछ नहीं ऐसा। फिर दिन में उसको बैठा कर बोला, भाई सब ठीक है, जैसे मेरा दिन में अच्छे थे, इस महीने में मेरा ऑपरेशन होने वाला है, मेरे फैमिली माँ बाप बहुत परेशान है, मैं खुद परेशान हूँ क्योंकि बहुत तकलीफ होता है और दवाई ले रहा हूँ कंटिन्यूसली, और डॉक्टर ने बोला है इस महीने में मेरा ऑपरेशन होना है। मैंने बस बोल दिया, परमेश्वर की दया से उस दिन बोल पाया, उसको बताया उसको समाचार, थोड़ा विश्वास कर, विश्वास कर पहुंचा, कहीं से आया, प्रार्थना हुआ उसके लिए। धीरे 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 जिस दिन डॉक्टर के पास जाना था गया, डॉक्टर का कैसे फील हो रहा है? बोले अब मेरा दर्द नहीं, देखो किसी को दवाई भी नहीं दे रहा, सब ठीक चल रहा है, सारा चीज चेकअप हुआ, डॉक्टर बोला ऑपरेशन की जरूरत नहीं, डॉक्टर बोला ऑपरेशन की जरूरत नहीं। कुछ महीने के बाद उसने बपतिस्मा लिया, उनके माँ ने, पापा ने, पूरा परिवार ने विश्वास किया, उनको देखकर उनके पड़ोसी ने विश्वास किया, रिलेशन ने विश्वास किया, भाई बहन गवाह है, रवि का गवाह है। उस चर्च में सिस्टर भी टेम्पो में भर के गांव से लोग चर्च आते थे, इस परिवार को देखकर, इस परिवार को देखकर। आपका एक प्रार्थना, आपका एक परमेश्वर का गॉस्पल किसकी जिंदगी को कैसे बदलेगा आप नहीं जानते हैं, परंतु परमेश्वर जानते हैं। एक बात मैं आपको और बोल दूं, जिस दिन मैं बोलू ना इस चर्च के लिए बहुत कुछ करता हूँ, प्रभु के लिए बहुत कुछ करता हूँ, बहुत कर रहा हूँ,
परमेश्वर मेरे से हजार लोगों को खत्म करना कर सकता है अगर मैं अवेलेबल नहीं हूंगा तो। मैं घमंड में बोल सकता हूं मैं ये करता वो करता इतना काम करता, भूल के बैठ सकता हूं, भूल के बैठ सकता हूं। परमेश्वर के काम को इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन मैं आपसे कहूं परमेश्वर के पास जोन थापा से कहीं बेहतर लोग लाइन पर मिले। जिस दिन मैं नहीं करूंगा दूसरे को कहा करेगा? परमेश्वर का राज्य कभी कभी किसी मनुष्य के द्वारा नहीं चलता, वो स्वयं परमेश्वर चलता है। जिस दिन हम मना करेंगे परमेश्वर दूसरे को खड़ा करेगा। ये हमारे लिए आदर है, ब्लेसिंग्स है। कभी उस घोड़ों को परमेश्वर ने दिए हुए घोड़ों को, परमेश्वर ने दिए हुआ सेवा को, परमेश्वर ने दिए हुए काम को कभी छोटा ना समझे, कभी छोटा ना समझे। उस इंसान ने जिसको 5 दिया गया उसने 10 किया, और जब स्वामी आया शाबाश मेरे वफादार दास, तूने 5 तो दिया था उसको 10 किया। स्वामी के आनंद में आनंदित हो जा, स्वामी महान किया। जिसको 2 दिया था वो भी आगे बोला, मेरे जो आपने 2 दिया था उसका 4 दिया। स्वामी ने कहा शाबाश मेरे वफादार दास, स्वामी के आनंद में आनंदित हो जा। परंतु जो उसको 1 दिया था वो आया वो भी आया और बोलता है मैं तुझे जानता था, तू जहां नहीं होता वहां से भी काटता है, मैं तुझे जानता था, इसलिए तेरे धन को मैंने जमीन में छुपा के रखा। तूने 1 दिया था ले, ये तेरा एक एटीट्यूड में उसने 1 भी स्वामी को दे दिया। स्वामी ने क्या कहा, स्वामी ने क्या कहा, हे दुष्ट और आलसी दास, हे दुष्ट और आलसी दास। याकूब का पुस्तक क्या बोलता है, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। परमेश्वर यह सब मुझे चंगाई से आशीष कर रहा है, आमीन, परंतु कार्य महानदी से बढ़ाकर दे रहा है, पर हम काम नहीं जाते, आलसी करके घर में बैठ गए। जो परमेश्वर ने दिया हमको पता ही नहीं कि परमेश्वर ने कौन सा तोड़ा दे दिया, कौन सा तोड़ा दिया, उस चीज के ऊपर हमें मेहनत नहीं, और जो दिया है उसको दबाते उसके ऊपर काम नहीं करते। यहां पे वही बोल रहा है, जिसको 1 तोड़ा दिया गया परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दिया उस मनुष्य ने, धनवान मनुष्य ने जिम्मेदारी दिया, वो 1 तोड़ा देकर आपके बोलता है तूने दिया मैं तो गाड़ी रख दिया। तो उस धनी मनुष्य ने कहा तो दुष्ट है तू तो आलसी दास है, और इसको रोना और पिसना ऐसी जगह पर डाल दिया जाए। आपके जीवन में कभी कभी आपने देखे होंगे कोई कोई बोलता है अरे वो ब्रदर के पास तो इतना है और उसी को दे रहा है, उसी को दे रहा है और बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है, अभिषेक में भी वही बढ़ रहे, सामर्थ में भी वही बढ़ रहे, वचन में भी वही बढ़ रहे, आशीष में भी वही बढ़ रहे। आप थोड़ा बढ़िए परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, जो दिया है उसे बढ़ाइए। ये परमेश्वर ने जो दृष्टांत बोला, परमेश्वर यीशु मसीह जो सिखाया, ये स्वर्ग के लिए भी लागू है, इस धरती के लिए भी लागू है। आपने देखा होगा जो धनवान इस धरती के लोग हैं ना, वो पीढ़ी से धन धन धनी धनी होते जा रहे हैं, वो जो गरीब है गरीब गरीब होते जा रहे हैं। इस स्वर्ग का नियम है, इस संसार में भी अगर बुद्धि नहीं है परंतु फर्क क्या है आप और इस संसार के लोगों में, इस संसार के लोग धन के पीछे है परंतु आप महिमा के धन के पीछे, स्वर्गीय धन के पीछे, आने वाले अनंत काल के धन के पीछे जो स्वर्ग है। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इतना शिष्य इतना बरकत है इसको बढ़ाएगी, एक पीढ़ी ने काम किया दूसरा पीढ़ी भी उसको बढ़ाएगी, तीसरा पीढ़ी भी उसको बढ़ाएगी। आप जानते हैं। और आज की डेट में हम ऐसे लोग देखते हैं जो अरबों खरबों वो धन के मालिक है, क्यों, स्वर्गीय नियम है, जिसके पास है उसको दिया जाएगा।
संसार में रहते हुए भी जो आशीष प्रभु ने दिया है उसे बचाने का भी बुद्धि चाहिए, बुद्धि चाहिए। जब परमेश्वर देता है ओ हालेलुया इस पर इधर खर्चा करूंगा उधर करूंगा ये करूंगा, बुद्धि से काम करना है। जब परमेश्वर देता है बचा के रखना है। बोलता है चींटियों को देखो, चींटियों को देखो, चींटियों को देखो, बोलो जब बारिश नहीं होता है तो चींटियों को लेकर अंदर इकट्ठा करके रखते हैं, जब बारिश आता है अंदर बैठ लो खाते हैं। उनको ध्यान दो, 100 बार गिरेंगे फिसलेंगे नीचे गिरेंगे फिर भी उनके चलना नहीं छोड़ते, मेहनती है आलसी नहीं। कोई चींटी को आपने देखा आराम से इधर बैठा हुआ कभी नहीं देखा, भागता रहता भागता रहता भागता रहता, क्यों? मेहनत करना है, परिश्रम करना है, परिश्रम करना। आज हम मिट्टी में आकर बोलता है यहोवा यीरे मेरी जरूरत को पूरा कर, और कमर उनकी सो जाते हैं। विश्वास कर्म बिना अधूरा है। अब्राहम ने परमेश्वर के बातों पर विश्वास किया, अपनी बेटी को लेकर मोरी पर गया, लिटरली इसको आराम करने लगा, गाड़ी भी गाड़ी दिखाया। इसलिए बाइबल बोलता है कि उसने केवल विश्वास नहीं किया लेकिन कर्मों के द्वारा उसको विश्वास कर दिया। हमारा चर्च बढ़ेगा, आमीन। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ने वाले है, आमीन। हम पवित्र होने वाले है, आमीन। काम हम कर रहे हैं क्या? प्रार्थना हम कर रहे हैं क्या? अटेंड हम कर रहे हैं क्या? कलीसिया में हम ईमानदारी से आते हैं क्या? सभा में हम ईमानदारी से जुड़ते हैं क्या? पवित्र शास्त्र की ईमानदारी से पढ़ते हैं क्या? एक दूसरे के लिए भाईचारे का प्रेम दिखाते हैं क्या? हमारा मन शुद्ध है क्या? कर्म हमारा है, विश्वास कार्य के बिना अधूरा। उस एक थोड़ा जिसको दिया आज आपको मुझे परमेश्वर की गुजरी में बैठ के सबसे पहले दूसरे की जरूरत है। प्रभु मेरे अंदर कौन सा थोड़ा थोड़ा दिया है, कौन सा थोड़ा दिया है, कौन सा ऐसा चीज दिया है प्रभु जो तू चाहता है कि मैं उसे बढ़ाऊं। हो सकता है मैं सोच रहा था आज काफी लोग होंगे लेकिन बहुत कम लोग हैं, हो सकता है परमेश्वर आप में से हर एक को आज बोल रहा है तुम्हारा थोड़ा क्या है और तुम क्या कर रहे हो, उस थोड़े का क्या कर। यहाँ पे ड्रम बजाने वाला अनुसार आपको देखते हो, हाँ इतना टैलेंटेड बच्चा है ना, इतने टाइम से इतना अच्छा बजाता है, उसका मेहनत को नहीं देखते, मेहनत को नहीं देखते, कितना दूर से आता है, बारिश हो तभी ठीक हो ना हो आता है, प्रैक्टिस करता है और संडे के दिन खड़े होकर बजाता है। जो टैलेंट दिया है उसको पढ़ा है, वो 4 साल का भी नहीं था आई गेस, गोद में मेरे गोद में बैठ के वो बम्बो बजाता था, कभी उसने छोड़ा नहीं। कुछ भी हो जाए रिक्शा में सिस्टम लेके आएंगे बजा प्रैक्टिस कर, थोड़ी को बढ़ा। आज आपको मैं परमेश्वर को प्रस्तुति में बोलता हूँ, मैंने गिटार क्लास सीखा और दो बाकी के इंस्ट्रूमेंट आपको दो दो बजे तक बैठ कर मैं खुद सीखा था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे। कलीसिया में आने के बाद में भी मुझे हिंदी गा गए थे सॉन्ग्स पे बोला, मैंने कभी सिंगिंग क्लास सीखा नहीं, कभी सीखा नहीं, परमेश्वर को बात। शादी के बाद में भी नबी का कभी कभी सुन नहीं, तो बच गया सोचा ना कि आवाज कम करो ना कितना गाओगे गला, दूसरे दिन भी गाना है सामने बैठे दो बजे रात को भी मिले, क्यों? थोड़े बढ़ाना है। अगर मैं थोड़ा नहीं बढ़ाता सिर्फ गिटार ही बजाता रहता, सिर्फ गिटार ही सिखाता रहता मेरा एकदम भी कम रहता, सिर्फ गमीलों को भी सिखा पाता परमेश्वर के राज्य के लिए धीरे धीरे थोड़े बढ़ाए सीखना शुरू किया। जो चीजें हमने वादा नहीं हुई बोलना, मेरे को स्कूल बोलने वाला इंसान, स्कूल बोलने वाला इंसान अच्छे से बोलना नहीं आता था, लिख के बोल के बैठ के प्रैक्टिस करके ये सुसमाचार कैसे बांटने का पता नहीं था। रवि का गवाह है, रवि कभी बोलने के लिए क्या ऐसे ऐसे करते रहते बोलते रहते हो आगे प्रैक्टिस करता था कैसे मुझे बोलना, जितना देर का सुसमाचार यहाँ पे बांटना है 1 घंटा डेढ़ दो घंटा बोलते रहते, थोड़े बढ़ाना है
जो आपको प्रभु ने दिया है, मुझे कभी कभी हैरानी होता है, 100 में से अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं तो 90 बच्चे बाकी के लोग हैं, 10 बच्चे प्रभु के लोग हैं। मैं दोष नहीं दे रहा, हमारे बच्चे कहाँ हैं? उनकी खूबी को हम बढ़ा रहे, उनके ज्ञान को हम बढ़ा रहे, उनके पोड़ को हम बढ़ा रहे, परमेश्वर ने उनको बढ़ा रहे। मेरा बच्चा क्या करेगा और कल कैसे परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होगा, क्या कभी हम सोचते? मेरा बच्चा कैसे परमेश्वर के लिए एक सेवक बनेगा, कभी हम सोचते? मेरे अंदर क्या परमेश्वर ने तुम्हारा दिया है, मैं करूं और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष बनूं, कभी हम सोचते? सिर्फ हम यही चाहते हैं आशीष आशीष ब्लेस कर प्रभु, हमारा ब्लेस कर प्रभु, हमारा आशीष दे, हमारा आशीष दे, सिर्फ हम इतना ही सोचते हैं। परंतु आज परमेश्वर बोल रहे हैं स्वर्ग का राज्य उस धनवान मनुष्य के समान और उसके तीन नौकर के समान है। वो राजा, वो धनवान मनुष्य यीशु फिर से आने वाला है, फिर से आने वाला है। जो आपको मुझे तोड़े दिया है जरूर उपस्थित होना है, क्योंकि ये मैं नहीं परमेश्वर का वचन है। अगर हमने उसने दिए हुए तोड़ को अगर हमने छुपा कर रखा है, गाड़ कर रखा है, दबा कर रखा है, उसके ऊपर खाली नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का हमें जवाब दे रहा है कि परमेश्वर ने दिए हुए कार्य को तोड़ो हमने क्या किया, परमेश्वर ने दिए हुए चीजों को हमने क्या किया, हमें परमेश्वर को जवाब देने की जरूरत है, देना पड़ेगा, सब को खड़ा रहना पड़ेगा। तो आज ये ना सोचे मैं कलीसिया जाता हूं, अटेंड करता हूं, सब कुछ करता हूं, परंतु जाके सिर्फ आता हूं, मुझे प्रभु ने दिया ही नहीं है। आज मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूं, आप अपने घर में जाकर प्रार्थना करें। अगर आप समझते हैं कि परमेश्वर ने मेरे से बात किया है, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से पूछे प्रभु मेरे जीवन में तुमने कौन सा तोड़ा दिया है, कौन सा तोड़ा तुमने दिया है कि मैं तेरे राज्य को बना सकूं। यीशु मसीह के पास जब फरीसी लोग आए, फरीसी ने पूछा स्वर्ग का राज्य कब आएगा, स्वर्ग का राज्य कब आने वाला है? यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे बीच में परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग का राज्य है। और इंग्लिश बाइबल बोलता है इन यू, तुम्हारे अंदर स्वर्ग का राज्य, तुम्हारे अंदर। मैं समझता हूँ हिंदी में फरीसियों के लिए बोला होगा, तुम्हारे बीच में तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। इंग्लिश में हमारे लिए बोला जिसने एक्सेप्ट किया कि परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है, हमारे तुम्हें दिया गया है। उस राज्य का कितना थोड़ा आप मेरे लिए पूछते हैं, दूसरे के तोड़ों को देखकर जलन ना करने। तो बोलते योग्यता के मुताबिक मैं देता हूं, किसका क्या योग्य है मैं देता हूं। अगर ये पुलपिट मैं समझता हूं आज से 10 साल पहले अगर मिला होता तो शायद इस तरीके से मैं बोल नहीं पाता। प्रभु को पता है कब क्या देना है, कब हम कितना संभाल सकते हैं, कब हम कितना कर सकते हैं, वो स्वामी जानता है। आपका और मेरा लिमिटेशन आप मेरे सामर्थ्य को जानता है, हम कितना हद तक कर सकते हैं एवरीथिंग हो जाता है। आज हमें उन थोड़ों के लिए प्रार्थना करके जाना है। और दूसरा चीज जब आप बुद्धि के द्वारा दिए हुए थोड़े को बढ़ाते हैं, अगर आपको पास दिया है, अगर आप दस करते हैं, किस चीज से हम कह सकते हैं बुद्धि हमेशा बढ़ोतरी में देगा, बढ़ोतरी को लेकर आता है। जब ज्ञान आता है आपके जीवन में बढ़ोतरी है, जब आप स्किल्स को डेवलप करते हो, जब आप टैलेंट को डेवलप करते हो, चाहे यहां हो चाहे मसीह के राज्य में हो, जब आप टैलेंट को डेवलप करते हैं तो क्या आता है बुद्धि के द्वारा आपके जीवन में प्रगति आएगा, उन्नति आएगा, ब्लेसिंग्स आएगा। परमेश्वर आज डायरेक्टली एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बात कर रहा है। अगर हम जो काम करते हैं भाई राजेश को खाना बनाने का, मोमोज वो बनाते हैं, हम लोग खाते हैं कभी कभार, बहुत स्वादिष्ट, वो थोड़ा दिया है उसको और बढ़ना है। जब परमेश्वर मौका देता है आपको पता है भाई ये भोजन तो हमारा पेट भरता है, सूर्य के भोजन हमारे आपके जीवन को तृप्त करता है। उसको देने का तरीका, बताने का तरीका, अपने थोड़ा को बढ़ाने का तरीका,
सिस्टर पंद्रह के बारे बीच में हो सकता हूँ पंद्रह के लाइक हो जाएगा हमको नहीं आता। अभी परमेश्वर ने मौका दिया वो जाकर परमेश्वर का वचन परमेश्वर की वाणी परमेश्वर के उद्धार के सुसमाचार वो जिस तरीके से पंद्रह में सुना सकते हैं हम भी सुना सकते हैं बस थोड़े हैं। हो सकता है आपके पास हम लोग जब अविश्वासी थे वो गपशप करने वाली बात है। मैं बोलता हूँ गपशप करना परमेश्वर के राज्य में आशीष हो सकता है जब हम मसीह के बारे में गपशप करते हैं मसीह के बारे में बोलते हैं मसीह के किए हुए आश्चर्य के कार्य को वर्णन करते हैं। बहुत बहुत बात करने का आदत है ना मसीह के बारे में बोलिए मसीह के सुसमाचार एक दूसरे से पढ़ने चिपके हुए रहते परमेश्वर के वचन के बारे में बोलिए उस चीज को मसीह के राज्य के लिए उस थोड़े को लेकर आइए और बनाइए जिसने पास था उसने दस किया अर्थात वो इंसान है बुद्धि लगाया उसने समझ लगाया क्या उसने जब मालिक ने जब पास थोड़े दिया तो ये बोला क्या जाकर इसको बहुगुणित करके किसी को व्याज पे देकर मुझे देना ऐसा बोला क्या नहीं बोला परंतु उसने बुद्धि लगाया जब बुद्धि आता है हमारे जीवन में उन्नति कई बार हम प्रार्थना करते हैं कई बार हम रोते हैं परंतु आज बाइबल बोल रहा है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोने का शब्द दिया है अब तुम बुद्धि से सुनो मैंने तुम्हें विश्वास का आत्मा डाला है अब तुम कर्म के साथ उस विश्वास के द्वारा अपने जीवन में आओ मैंने तुम्हारे अंदर तोड़े दिया हुआ है उस तोड़े को बढ़ाओ मुनि को बढ़ाओ और भगवान क्या देखते हैं पांच वर्ष जब दस किया तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं मनोदी हुआ उसने बुद्धि लगाया कि पांच में क्या करूं तो मेरा जब मालिक आएगा तो मैं उसको बढ़ा के दे सकूं उसने बुद्धि लगाया समझ लगाया और ऐसे जगह पे उसने पैसा इन्वेस्ट किया जहां से वो पांच में दस हो गया दो आदमी भी बुद्धि लगाया इन्वेस्ट किया दो का चार करके लाया एक बार ने बुद्धि नहीं लगाया और बाइबल बोलता है तुम दुष्ट है और तुम आलसी दास है कई बार हम बोलते हैं परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा करेगा मुझे देगा और घर में आलसी बन के बैठ जाए श्री कहना बोले परमेश्वर मुझे स्वस्थ रखेगा अच्छा रखेगा और जो मिला खा ले जब मिला खा ले जैसा चाहे वैसा खा ले भाई बोलते तुम्हारा परमेश्वर का मंदिर ये तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है जो इसे नाश करेगा तो इसको नाश डिसिप्लिन बुद्धि समझ हॉस्पिटल जाके मेडिसिन लेना मूर्खता नहीं है बुद्धिमानी है डॉक्टर को भी परमेश्वर ने रखा हुआ है कोविड के टाइम पे जूम मीटिंग में एक सेवा में मैं जुड़ा हुआ था उस सेवा में एक चीज पता चला किसी का डेथ हो गया और वो पास्टर 25 डेज के ये मेरी की बच्ची और डेथ कैसे हुआ जब उनको दो साल पहले पता चला कि उनको शुगर है और बीपी है वो भी बहुत ज्यादा उस समय उन्होंने दवाई ली उसके बाद उन्होंने बोला मैं अभी कोई भी मेडिसिन नहीं लूंगा परमेश्वर ने मुझे चिंता कर दिया जब भी डॉक्टर के पास आता था वो बोलते कि मैं भाई छोड़ना नहीं बुद्धि परमेश्वर ने बुद्धि भी दिया है मैं नहीं बोल रहा हूं कि डॉक्टर ही सब कुछ है परंतु परमेश्वर ने डॉक्टर दे दिया मेडिसिन भी रखा हुआ क्या यीशु मसीह ने नहीं बोला बीमारों को वैद्य की जरूरत है पापियों को मेरी जरूरत है परमेश्वर ने जरूर बोला मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं परंतु ज्ञान की अभाव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए बुद्धि की कमी नहीं होना चाहिए और वहां पर पता चला कि उस पास्टर ने करीबन दो साल से इतना हाई शुगर और बीपी होने के बाद में बी लेना बंद कर दिया डॉक्टर ने चेतावनी दिया और हार्ट अटैक भी उनका देखते हैं वो जिससे तब मैं क्या सीख पाया कभी कभी हम लोग बुद्धि से भी जाते हैं कभी कभी हम लोग बुद्धि के अभाव के कारण हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें को देखते हैं और वहां पर इतना ज्यादा कंप्लेन था परमेश्वर भला है तो मेरे 3 साल की बच्ची को क्यों परमेश्वर ने बिना बाप का बना दिया क्यों मेरे घर में ऐसा हुआ
क्यों मेरे परिवार में इस तरह उस बहन के लिए प्रार्थना चल रहा था, क्यों इतना ज्यादा कॉम्प्लेंस परमेश्वर के प्रति? परमेश्वर ने बिना नहीं दिखाया, वो बुद्धि, वो ज्ञान दिया, समझ दिया, पैसा दिया, जाके इलाज करा के ठीक हो जाएगी। हाँ, परमेश्वर ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें झगड़ा करने वाला खुदा नहीं। जब दवाई भी फल होता है, जब डॉक्टर भी फल होता है, परमेश्वर की मर्जी और हुकूमत से उठाता नहीं, वो खड़ा भी करता है। कई बार हम लोग बुद्धि और ज्ञान की कमी की वजह से हम लोग हमारे घर में सदा शांति चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, पीस चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर बात शुरू भी नहीं होता है, हमें गुस्सा, जलन, बातें, ऐसे कड़वी बातें हमारे मुंह से निकलना शुरू। क्यों? कृति में तो हमने पहले ही नहीं, कृति में हमारे मुंह पे हमने डिसिप्लिन रखा ही नहीं, सिर्फ प्रार्थना कर रहे, प्रभु शांति दे, प्रभु घर में एक पन दे, प्रभु घर में ये दे, प्रभु हमारे बीच में एक पन रहने की तरह आशीष आए, और जैसे घर में गुस्से हमारा रवैया चल। क्यों? सिर्फ प्रार्थना के लिए, विश्वास में, लेकिन कृति में नहीं। कृति बुद्धि को बताता है, परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आत्मा दिया है, भरपूरी दिया है, एवरीथिंग आज क्रूस के विजय आप और मेरे जीवन में है। परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा आप अपने अभिषेक को बढ़ा सकते हैं। वो राजा आने वाला है, वो राजा आने वाला है। जो अभिषेक आपको दिया है, क्या उस अभिषेक को आप बना रहे हैं? जो थोड़े आपको दिया है, जो सामर्थ्य आपको दिया है, क्या आप सामर्थ्य आप बढ़ा रहे हैं? जो टैलेंट आपको दिया है, क्या आप कभी बैठ के बोलते प्रभु इस टैलेंट को मैं बढ़ाकर तेरी महिमा के लिए यूजूंगा, मैं तेरे राज्य को बढ़ाऊंगा? जो चीजें परमेश्वर ने आज आपको दिया है, आज मैं बस बैठ के उन थोड़ों के बारे में सोचता है कि प्रभु मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूं, मैं और मेरा घराना यीशु के संग जाएंगे। हालेलुया, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की महिमा करेंगे, मैं और मेरा घराना सदा उसके राज्य में पाए जाएंगे। क्या आपने अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ा रहे, कृति कर रहे? कभी उनके हाथ पकड़ के घर में प्रार्थना सिखाते, कभी बहन के वचन साथ में पढ़ते? मेरी वाइफ को मैं आत्मा में देख पा रहा हूं, बहुत आत्मा में उन्नति पा रही है। क्या हम उसको मदद कर रहे कृति में? क्या हमारे घर में परमेश्वर की प्रेम दिखा पा रहे? परमेश्वर मेरी सी बात करो, मैं आपसे सोचने लगा हूं, परमेश्वर मुझसे पहले बात करो, मुझसे पहले बोलो। आज अपनी थोड़ों को सबसे पहले जानना है क्या थोड़ा परमेश्वर, दूसरा क्या उन तोड़ों को हम भोगले कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के लिए उन तोड़ों को बना रहे हैं? मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, परिश्रम कीजिए। बाइबल आलसी लोगों को कभी आशीर्वाद नहीं देता है, कभी नहीं देता है, जो मेहनती है उनको आशीष करता है, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है मैं तेरे हाथों के कामों को आशीष करने वाला परमेश्वर। बैठने से, सोने से आशीष नहीं पाएंगे, आशीष नहीं पाएंगे। मसीह के राज्य के लिए दौड़ना है, मसीह के राज्य के लिए काम करना है, मसीह के राज्य के लिए परिश्रम करना है। जो आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए जो तोड़े दिए हैं, वो राजा आएगा, आपको मुझे पूछेगा मेरे लिए तुमने उन तोड़ों को कितना बना के लाया। बाइबल बोलता है बुद्धिमान मनुष्य आत्माओं को जीतता है, जो बुद्धिमान है वो आत्माओं को जीतता है। अगर आप उन्हें बुद्धिमान हो जाएंगे, जो परमेश्वर ने दिया हुआ सामर्थ्य है, जो परमेश्वर ने दिया हुआ अभिषेक है, उसके द्वारा हम आत्माओं को जीतेंगे, जीतेंगे। सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाया, परमेश्वर ने बोला मेरा दृष्टि इस पर है। क्या आज हमारे जीवन को हम बना रहे हैं? क्या आज हम मसीह के भवन को बना रहे हैं? क्या आज हम सोचते हैं अरे संकट चर्च है, सब तैयारी हुआ होगा, क्या थोड़ा जल्दी जाओ, मैं थोड़ा कुछ करूं? कभी सोचते हैं कि मन में कभी आता है? मैं इसलिए नहीं बोल रहा मैं करता हूं या फिर हम करते हैं, कभी हम सोचते हैं मैं थोड़ा जल्दी जाऊं, कोई नया आने वाले को स्वागत कभी हम सोचते हैं? जो परमेश्वर के भवन में जाकर मुझे इतना आनंद आशीष आजादी मिलता है, मेरे फ्रेंड को भी इनवाइट करो, कभी सोचते हैं? कभी हम सोचते हैं मेरे परिवार में आज भी अविश्वासी है, मैं ऐसा जीवन जीऊं, प्रभु प्रार्थना में कर चुका हूं परंतु मेरा जीवन
बदले ऐसा मैं कृति में मैं खाली करूं, मेरा घराना भी तुम पर विश्वास करे। कभी हम मोड़ों के बारे में सोचते हैं, कभी आप सोचते नया कलीसिया है किस प्रकार इस कलीसिया को चला रहे हैं, किस प्रकार इस कलीसिया की चीजें बना रहे, मैं क्या इस भवन के लिए कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे दूसरे के लिए आशीष हो सकता हूँ, मैं कैसे प्रार्थना में जुड़कर एक मध्यस्थीकर्ता बन सकता हूँ। हम सब मिलकर अगर हम दुआ करेंगे ओ मसीह के राज्य को हम कैसे बढ़ा सकते, कभी हमारे दिल में कैसे ख्याल आता है परमेश्वर के भवन को लेकर। अगर हम परमेश्वर से प्रेम है हम परमेश्वर के भवन के बारे में सोचेंगे क्योंकि ये भवन उसका है, उसके कार्य के बारे में सोचेंगे क्योंकि उसका कार्य है। किसी इंसान के लिए यहाँ पर कार्य नहीं होता है, किसी मनुष्य के लिए यहाँ पर कार्य नहीं होता है, स्वयं परमेश्वर के लिए होता है। और मैं समझता हूँ हम सब एक घर है, ये संस्था नहीं है, ये कलीसिया संस्था नहीं है, ये आपका घर है, हमारा पिता हमारे बीच में है। हम मिलकर जो तोड़े अलग अलग जो चीजें हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला है हम तोड़ को बनाए। इस नासिक शहर में आपने मिलकर शैतान के राज्य को नाश करके मसीह के राज्य को स्थापित करें। हम सब मिलकर खाइयों को आजाद करने वाला मिलकर प्रार्थना करें, मध्यस्थीकर्ता बने। हफ्ते में एक दिन हमने शुरू किया, वो आने वाले दिनों में समय निकलकर सब कुछ छोड़कर बाइबल बोलता है जब तुम इस धरती पर मेरा आदर करते हो यीशु बोलता है पिता के सामने तुम्हारा आदर करो। ये ना सोचे यार प्रेयर मीटिंग ज्वाइन करूंगा मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं अपना जीवन का एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब हम सोचते हैं ना जब परमेश्वर के राज्य में नहीं जाते हैं और हम सब कुछ बाकी करते रहते हैं उस चीज का भी फलवंत होता भी नहीं, मेरा अपना एक्सपीरियंस। परंतु जो छोड़कर हम प्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं प्रभु मैं इतना कुछ मेरी जिम्मेदारी होते हुए भी मैं तुझे तेरे लिए यहाँ हूँ। परमेश्वर इस तरीके से आपके जीवन को आशीष करेगा ना, आपको रखने के लिए जरूरत नहीं होगा, रखने के लिए जरूरत नहीं होगा। ये बाइबल का सिद्धांत है, अगर आपके पास है और दिया जाएगा। बाइबल में क्या लिखा, जो इसके पास एक था उससे वो भी छीना गया और जिसके पास दस था दस किसके पास था, जिसके पास बेटे दो वाले को दिया पांच वाले को दिया। जिसके पास रहेगा जिसके पास जाना रहेगा उसको और दिया जाएगा। आप अभिषेक में बढ़ते जाइए, परमेश्वर और अभिषेक और सामर्थ और अपनी महिमा आपके ऊपर डालता जाएगा। लोग बोले करेंगे तो वही इंसान नहीं है जिसको हमने दस साल पहले यहाँ देखा था, ये तो वही भाई नहीं है जो इस जगह पे था, ये तो वही नहीं है इसका जीवन ऐसा था, आज इतना सामर्थ की बात कैसे कर रहा है, आज ऐसे आश्चर्य की बात कैसे कर रहा है, आज ऐसे एनर्जेटिक अभिषेक को लेकर कैसे चल रहा है, क्योंकि आपने दिए हुए पूरे को बनाया। ये कलीसिया इतने रुकने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। मैं आत्मा में समझता हूँ हर एक का थोड़ा वो जानकर इस कलीसिया के हर एक मेंबर अपने थोड़े में काम करेगा और ये भवन इस भूमि के लिए आशीर्वाद। इसलिए यहाँ पर आकर आप कुछ ही जन बस महिमा करे यही प्रमाण चलता रहे मसीह का राज्य स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने आप मुझे तोड़े दिया है। और जो स्वर्ग का राज्य आपके अंदर है, हाँ स्वर्ग का राज्य है क्या, इतना छोटा चीज नहीं हो बहुत बड़ा काम जो स्वर्ग दूत नहीं कर सकता वो थोड़ा आप मुझे परमेश्वर अपने भवन के प्रति ईमानदार रही है, अपने भवन के प्रति वफादार रही है, अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहिए, अपने थोड़े जो परमेश्वर ने दिया है उसको बहुगुणित कीजिए और बुद्धि के द्वारा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में बुद्धि भी देता है प्रकाश भी देता है, उस आत्मा के द्वारा आप हमें चले ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर ये ना कहे कि मेरी प्रजा ज्ञान की कमी की वजह से नाश हो रहा है, परंतु परमेश्वर सुलेमान के समान हमारे जीवन से कहने पाए कि मैं तुझे केवल बुद्धि नहीं परंतु महिमा में तुझे बढ़ाऊंगा, धनता में तुझे बढ़ाऊंगा, वो तेरे तंबू को मैं छोड़ा करूंगा, जहां तू जाएगा आशीर्वाद होगा। आज हमने अंतिम गीत को गाया, हजारों पुस्तों तक हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमें कुछ नहीं सर ठहराने वाला परमेश्वर है, कमी घटी में नहीं भरपूरी में हमें देने वाला परमेश्वर है, परंतु कहना है बुद्धि से चलो ज्ञान से चलो समझ से चलो अपने तोड़ों को बढ़ाओ ताकि जब वो राजा आएगा तो उसके सामने हम खड़े होकर कह सकें प्रभु
तुमने मुझे बोले दिया था तेरे प्रभु ने मेरे लिए एक लफड़ा बना के दिया और वो कहे शाबाश शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास मेरे आनंद में सदा के लिए वो स्वर्ग मेरे साथ तो आनंद मनाएगा ये आपको मुझे देखकर परमेश्वर कह रहे हैं आइए हमारे संसार में रहते हुए भी आपको पता है कई बार हम सोचते प्रभु मेरे जीवन से कर्ज की आत्मा को निकाल मेरे जीवन से ये चीज निकाल परमेश्वर आज मुझसे बोल रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा मैं तुझे समझ दूंगा अब तू जो मैं आशीष देता हूं ना उसे भी तो समझ पाएगा उसे भी तो जान पाएगा आपको पता है मेरे को कोई बोलता है ना तब भी बोलता था आज भी बोलते हैं अगर कोई कि ब्रदर मेरे को ना वो गाड़ी देना था एक ही बात बोलता हूँ आपके पास नहीं है ना आपके पास नहीं वो गाड़ी लेने के लिए आपके पास नहीं है पैसा या फिर इतना ज्यादा आपके पास योग्यता नहीं है इतना भी गाड़ी दे सकते इसका मतलब परमेश्वर आपको ये गाड़ी परमेश्वर ने आप ये विश्वास कीजिए परमेश्वर ने कि ये गाड़ी की आप जीवन में जरूरत नहीं है आपके पास घर नहीं है आप दूसरे के कमरों देख के सोचते हैं कि ये मेरे जीवन में क्यों नहीं है परमेश्वर से भी बड़ा देगा मैं वो नहीं बोल रहा परंतु हमारे एटीट्यूड क्या होना चाहिए परमेश्वर अगर हमारे जीवन में वो घर नहीं है ना हमें ये बोलना चाहिए प्रभु ये घर अभी मेरी जरूरत नहीं है समय आने पर तुम मुझे देगा समय आने पर तुम मुझे छोटा बिजनेस है कुड़कुड़ा तो नहीं है प्रभु मैं जानता हूं अभी ये मेरा छोटा बिजनेस है पर तेरे समय पर इसको फलवंत करने वाला है परमेश्वर जानता है किस समय पर आपकी योग्यता है कितने घोड़े आपको कब देना है हम एकदम से इतना आशीष चाहते हैं रातों रात हो जाए एकदम से सब कुछ हो जाए परमेश्वर बोलता है तू इतने में जब वफादार होगा ना फिर मैं इतना दूंगा जब तू इतने में वफादार होगा मैं इतना दूंगा क्यों सिद्धांत ये है जिसके पास है के ऊपर दिया जाएगा छोटा सा विषय के आप समझते थे तो अरे जब मैं पीछे आके एक चेयर में बैठता हूँ बाकी कुछ नहीं करता ज्यादा सुनता आता हूँ थोड़ा सा विषय महसूस कर लिया उसको बढ़ाइए आधे घुटने में आइए प्रार्थना कीजिए तो उसे मुझे प्रभु कुछ और मेरे आत्मा से था बाइबल पढ़ते समझ में नहीं आता है थोड़ा तो समझता है नासिक में भी जब वो रहती थी रात को बैठकर दिन को बैठकर जैसे बाइबल में लिखा है वैसे ही कॉपी करके इतना तक बुक पढ़ती थी आधा कुछ नहीं पढ़ता लेकिन जैसे लिखा वैसे मेहनत करती थी धीरे 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 एक सेंटेंस दो सेंटेंस पढ़ने लगी आज आप बिलीव नहीं करेंगे परमेश्वर की महिमा हो वो सिर्फ नेपाली बाइबल नहीं हिंदी बाइबल में पढ़ती सीरियल में क्या क्या हो रहा है
न्यूज में क्या क्या हो रहा है, सीरियल जीवन को सीरियल बना देते हैं। शॉर्ट वीडियोस का जमाना है, हमारी छोटी इतनी छोटी बच्ची लिया तो 2 साल की भी नहीं है, उसकी उम्र ऐसे चलते हैं। और कुछ अगर ऐसा चीज आया तो हमको लगता है कि नहीं नहीं देखना चाहिए, उसको फटाफट करके हम हटा देते हैं, वो भी ढूंढ के निकल के सुधर जाता है। गलत बात, अभी हमने इतना कम कर दिया उसका, गलत बात। आजकल के बच्चे मोबाइल के बिना रहता नहीं, आप सबको पता है, उनको खाने से पहले मोबाइल चाहिए। हम लोग को थोड़ा क्या है हमारा वो जानने के लिए समय नहीं है। क्यों क्यों चला के बैठे नहीं, बाकी सारी चीज इतना हमारे जीवन में है, इतने सब कुछ हमको पता है, दुनियादारी की सारी बातें पता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या थोड़ा दिया पता ही नहीं। क्यों कभी पूछे, कभी पूछे नहीं, प्रभु तुमने मुझे क्या थोड़ा दिया है प्रभु मेरे। हम तो कभी समझते हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, मुझे ही नहीं, थोड़ा ही नहीं दिया प्रभु। आज आप लोग मुझे बता रहे एक थोड़ा तुमने दिया ही, एक थोड़ा दिया ही, बाबा उसे संभाल, उसे संभाल, उस थोड़े को बढ़ा, उस थोड़े को बढ़ा। परमेश्वर मैं जब लिख रहा था मैं रो रहा था, प्रभु प्रभु तेरे लिए और भागना सीखा। कई बार जब परमेश्वर आशीष देता है हमारे जीवन में सब ठीक रखता है, ये होना हम किस्मत दाता को याद कीजिए, वो आपके और मेरे जैसे शहर में नहीं रहता था, जंगल में रहता था। भाई बोलता है हाँ क्या खाता था, मधु और वो छोटा कीड़ा क्या होता है वो टिड्डी, भाई बोलते हैं टिड्डी और मधु खाता। और पता है वो जो पहनता था वो ऊंट का वस्त्र था, और पानी पीने के लिए भी जो ऊंट का वस्त्र खाल रहता था उसमें पानी पीता था। ऊंट का वस्त्र का जो खाल होता है जब भीगता है ना बारिश में, जब जानवरों का खाल होता है जब बारिश में भीगता है वो सबसे बदबूदार होता है। परंतु क्या कारण था कि लोग आके उससे बपतिस्मा लेते थे, परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर का प्रकाशन था, परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर के लिए कार्य करने का मन था, पूरे बुद्धि से प्राण से समझ से परमेश्वर के लिए कार्य करता था। क्यों लोग उसके पास आए, अभिषेक, परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना आपका मेरा जिम्मेदारी है, उस तोड़ों को बढ़ाना है, उस तोड़ों को बढ़ाना है। अभिषेक मिल गया हो गया नहीं, प्रभु बोल रहे हैं कल का अभिषेक का क्या किए, आज जो अभिषेक दे रहा हूं क्या करेंगे। बुद्धि मांग रहे प्रभु मैं किससे बात करूं, जो तुमने मुझे सामर्थ्य दिया है, जो तुमने मुझे बल दिया अभिषेक किया, प्रभु किस पर जाकर तेरे से समझ पाए। ये होना बपतिस्मा दाता के पास लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, भीड़ लगा देते, क्यों, क्योंकि वो इंसान भले जन्म में रहता था, भले पास आने वाले उस उठ के चमड़ी से पानी पीता था, भले वो टिड्डियां खाता था मधु खाता था, परंतु उसके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर का अभिषेक था। अगर आप अभिषेक को बढ़ाते हैं, लोग आजू बाजू के लोग आपके ऐसे ही बदलना शुरू हो जाएगा, आपके उपस्थिति में लोग इतने आनंद को महसूस करेंगे, यार ये इंसान ऐसे कैसे है, आपका बॉडी परिवर्तन हो जाएगा। जब आप परमेश्वर के आत्मा को लेकर चलते हैं, परमेश्वर के महान सामर्थ्य को लेकर चलते हैं, शैतान का राज्य नाश होते जाएगा, आप मसीह के राज्य को स्थापित करते जाएंगे। ये ना समझे एक अच्छा चर्च मिल गया, वचन परमेश्वर हर समय मेरे से बात करता है, अच्छा चर्च मिल गया, आराधना हम बहुत नए नए गीत गाते हैं सुनते हैं, बड़ा मजा आता है, अच्छा है, परमेश्वर बोल रहे हैं तेरा थोड़ा दे दो, तेरा थोड़ा किधर, तेरा थोड़ा किधर, तू क्या कर रहा मेरे लिए, तू क्या कर रहा। ये सवाल सबसे पहले मेरे लिए है, मैं विश्वास करता हूँ इटर्निटी फेलोशिप से जुड़े हुए हर एक सदस्य के लिए कि हम आने वाले दिनों में अपने तोड़ों को बढ़ाए, जिसके द्वारा बुद्धि के द्वारा सुलेमान ने नाश से परमेश्वर के भवन को बनाया, परंतु उसने अपना राज महल को भी बनाया। अगर आप परमेश्वर की बुद्धि से चलेंगे, अगर आप मेहनती हो जाएंगे,
केवल विश्वास नहीं परंतु कर्म के द्वारा विश्वास में चलेंगे, परमेश्वर ना सिर्फ आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएगा परंतु आपके अपने जीवन को भी इस धरती पे बहुगुणित करके आशीर्वाद करके देगा। तो लोग जानेंगे कि ये वाकई आशीष है। आप केवल अपने लिए आशीर्वाद नहीं ठहरेंगे, आपका जीवन कईयों के लिए आशीर्वाद ठहरेगा। इसी के लिए परमेश्वर ने और जब हमारा महान राजा जब आएगा, आज हम सोच सके हमें क्या जवाब मुझको दे सकते हैं, प्रभु तुमने मुझे क्या थोड़ा दिया, मेरे ये थोड़ा बना कर मुझे वापस दे रहा। हम सबको उस न्याय के लिए बनाए बाइबल बोलना है, हर एक जन को कराना है और हर एक जन का पुस्तक खोली जाएगी, हर एक जन का पुस्तक खोला जाएगा, हर एक जन के बारे में अकाउंट निकाला जाएगा, वो भी सबके सामने परमेश्वर करेगा। हर एक का न्याय होगा, हर एक को जवाब देना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य उस धनवान व्यक्ति और उसके तीन नौकर के समान है। आज हम बुद्धिमान हो जाए, सचेत हो जाए, जागरूक हो जाए, जितना मौका मिलता है। एक बात मैं आपको सच्चाई बता दूं, इस संसार में किसका कितना उम्र है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। जितना समय है ऊंचाई के काम को करें, परमेश्वर के राज्य के काम को करें, जितना मौका मिलता है परमेश्वर के ऊपर को है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप मुझे आइए जोरदार प्रवेश किया।